आज अमेरिका उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सेना की सीमा तक पहुंच आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्वोत्तर में 55,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस समय सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग भी शामिल है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक संपर्क उपलब्ध कराएगी। इससे बारिश बर्फबारी समेत हर मौसम में LAC तक सैनिकों को पहुंच आसान होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ही फरवरी 2019 में इस परियोजना की नींव रखी थी। सुरेश पचौरी सहित कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी और पूर्व विधायकों सहित कई अन्य नेता शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। जमीन हड़पने वालों को उल्टा कर सीधा करेगी सरकार। तो देश के गृह मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद आरक्षण के विरोधी कांग्रेस की गोद में है। सोनिया गांधी अपने बेटे को PM तो लालू प्रसाद अपने बेटे को CM बनाने के लिए बेचैन है। जिन्हें अपने बेटे बेटियों की चिंता है वे कभी भी पिछड़ा अति पिछड़ा का उत्थान नहीं कर सकता। दोनों दलों ने पिछड़ों का अपमान किया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कमान गिरी संभालेंगे। तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में डॉक्टर गिरीश गोयल ने जीत दर्ज की। हादसों में 4 की और डूबने से बच्चे की मौत। तो कुमाऊं में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोलापार में एक बच्चा खेलते हुए घर के पीछे बने पानी के टैंक में डूबकर मर गया। टनकपुर दून ट्रेन का सपना पूरा। तो टनकपुर से राजधानी देहरादून के लिए ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया है। इससे उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी। पूर्णागिरी के मुख्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इस ट्रेन का लाभ मिल सकेगा। खान पान में खोजा सांसों के मर्ज का इलाज। तो एम्स दिल्ली के अध्ययन में खुलासा, पेट की अच्छी सेहत से बेहतर होता है फेफड़ों का स्वास्थ्य। लोकसभा चुनाव से पहले आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा, राष्ट्रपति की मंजूरी। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्य चुनाव आयोग में अब 2 पद रिक्त हो गए हैं। अब सारी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई है। गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठे थे और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कांग्रेस ने भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। युवा जोश टीम इंडिया टेस्ट श्रृंखला 4-1 से जीती। ओली में ओपन विंटर स्कीइंग चैंपियनशिप का रंगारंग आगाज हुआ। पूर्व CM खंडूड़ी के बेटे मनीष ने भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 गारंटी के साथ ठोकेगी दम। कुट्टू का आटा खाने से 487 लोग बीमार, 15 छात्र ICU में भर्ती हुए। तो महाशिवरात्रि पर खराब कुट्टू का आटा खाने से दिल्ली NCR में 487 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। देश भर में आज 4 घंटे के लिए ट्रेन रोकेंगे किसान। टीम भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से रौंद जीती सीरीज। मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक अपने पद से त्यागपत्र देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव जल्द। तो उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए। राज्य में बेसिक के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफ़ी समय से रुकी है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में भर्ती के लिए BEd की अर्हता को हटाया जाएगा, जबकि इससे पहले उत्तराखंड अधिसेवा
अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में यह बदलाव किया गया था कि सहायक अध्यापक LTE को पूरे सेवा काल में एक बार संवर्ग परिवर्तन की सुविधा मिले, जबकि सहायक अध्यापक संगीत के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर और सहायक अध्यापक कला के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd अनिवार्य किया गया है। वहीं शिक्षा सचिव का कहना है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए BEd को सेवा नियमावली से बाहर किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जल्द ही संशोधित नियमावली जारी हो जाएगी, जिसमें बदलाव के बाद विभाग को शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया जाएगा। विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है, नियमावली में बदलाव के बाद रुकी भर्ती शुरू हो पाएगी। महिला व किशोरियों की सुरक्षा में योगदान देंगे मोबाइल वाहन, तो मुख्यमंत्री धामी ने मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 43 स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने की तैयारी है। 4 बार सांसद रहे भड़ाना हरिद्वार से कर सकते हैं भाजपा में वापसी, भाजपा में पद और टिकट के लिए नहीं आया। तो कांग्रेस ने त्यागपत्र देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूड़ी के बेटे मनीष भाजपा में हुए शामिल। मनीष के पार्टी छोड़ने के बाद बदले टिकट की दावेदारी के समीकरण। हरक के करीबी प्रदेश महासचिव लक्ष्मी राणा ने छोड़ी कांग्रेस। 5 गारंटी के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दम ठोकेगी, तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जनता के सामने 5 गारंटी लेकर आई है। वादा किया है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो ये सभी गारंटी तत्काल लागू की जाएंगी, इससे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये है 5 गारंटी, तो 1 से 30 लाख रोजगार की गारंटी। तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए कांग्रेस ने सभी सरकारी विभागों में 30 लाख युवाओं को तत्काल रोजगार की गारंटी दी है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर्स, रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता आदि क्षेत्रों में नए पद सृजित कर रोजगार का अवसर दिया जाएगा। पेपर लीक रोकने को नए कानून की गारंटी। तो भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार के संरक्षण में लगातार भर्ती घोटाले हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी तमाम भर्ती घोटाले सामने आए हैं। कांग्रेस कमेटी ने युवाओं के भविष्य के मद्देनज़र पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी दी है। असंगठित क्षेत्र को सुरक्षा गारंटी, तो सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे वाहन चालक, प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करने वाले, अखबार के हॉकर, कई कंपनियों के लिए डिलीवरी करने वाले असंगठित क्षेत्र के युवाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व निराश्रित वृद्धजनों को भी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। स्वरोजगार की गारंटी, तो युवा रोशनी के तहत कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए स्वरोजगार उद्यमशीलता के लिए 5,000 करोड़ का राजकीय कोष बनाएगी। ग्रेजुएशन करते ही रोजगार की गारंटी, तो हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष स्टाइपेंड मिलेगा। डिग्री के साथ ही पहले रोजगार की गारंटी दी जाएगी, इससे युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। पहले चरण में 30 क्लस्टर स्कूलों का हुआ शिलान्यास। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर में आयोजित कार्यक्रम में 6 जिलों के 30 क्लस्टर विद्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, पहले चरण में बनने वाले इन विद्यालयों के लिए 35 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। CM ने टनकपुर दून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने टिकट लेकर खटीमा तक किया सफर, PM और रेल मंत्री का जताया आभार। सरल उद्यमिता से निकलेगा जल सुरक्षा का रास्ता। दिन भर होटल में ही जमे रहे हिमाचल के बागी विधायक, तो होटल पर सख्त पहरा। हिमाचल के 11 विधायक शनिवार को दूसरे दिन भी होटल के भीतर ही जमे रहे। इस दौरान होटल के आसपास सख्त पहरा रहा, होटल में कोई मीडियाकर्मी न पहुंचे, इसके लिए गेट पर सुरक्षाकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। सुरक्षाकर्मियों को एक सूची दी गई थी जिसमें होटल में आने वाले व्यक्ति के नाम और वाहनों के नंबर थे। प्रतियोगी दौर है तो राज्य बेहतर माहौल देगा, वहीं जाएंगे उद्योग। तो CII उत्तराखंड में आके वार्षिक सत्र में बोले पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे। राज्यपाल ने विधानसभा के प्रथम सत्र का सत्रावसान किया। 5,000 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर पूर्ण कार्यकर्ता बनी।
वोट बैंक नहीं बल्कि विकास आधारित राजनीति हो। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। कनिष्क जैन सीआईआई के नए अध्यक्ष चुने गए। हड़ताल का छुट्टियों में समायोजन आदेश जल्द। तो अपने कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को सर्विस ब्रेक के बजाय छुट्टियों में तब्दील करने का आदेश जल्द होगा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2819 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 299 ड्यूटी ऑफिसर जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 181 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 323 पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं THDC में 100 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 28 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। खूंटी में रात को 90 फीट पाइप उखाड़ ले गए चोर। मरोड़ा खान में हादसा, मजदूर की मौत। NH में मरोड़ा खान के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से शिक्षक की मौत। GIC 10 लेख में कार्यरत गणित के शिक्षक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शिवरात्रि पर देर रात तक मची बैठकी होली की धूम। छोनीगोड़ में रावण ने कैलाश पर्वत उठाया। अग्निवीर को पंजीकरण 22 मार्च तक होगा, तो अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण 22 मार्च तक किया जा सकेगा। अल्मोड़ा में झटक धूप ने बढ़ाया तापमान। पिथौरागढ़ के युवक को घायल करने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया। जन औषधि केंद्र में BP शुगर की दवा तक नहीं है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने मामले में BIP के नाम का खुलासा नहीं होने पर आक्रोश जताया, वहीं आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। पार्क करते समय खाई में गिरी कार, युवक की मौत। तो रानीखेत से खबर है, नगर में कार पार्क करते समय अनियंत्रित होकर खाई में कार गिर गई। हादसे में वाहन स्वामी की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। विधायक पर कार्रवाई की मांग को युंगा का प्रदर्शन। तो युवा कांग्रेस ने शनिवार को साल्ट से भाजपा विधायक महेश जिन्ना के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। दिव्यांगों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग उठाई। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर प्रधान पति गिरफ्तार हुआ। प्रदेश में जल्द अस्तित्व में आएंगे क्लस्टर विद्यालय। तो शिक्षा मंत्री ने 30 क्लस्टर विद्यालयों का किया शिलान्यास। दूनवासियों के जीवन को बनाए सुरक्षित। अब PCS की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे राज्य संबंधी 2 प्रश्न। तो प्रांतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। आयोग से मिले प्रस्ताव के बाद कार्य विभाग ने इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ऐसा होने पर PCS मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिया ने भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने भी इस संबंध में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस पत्रावली पर जल्द अनुमोदन दिया जाएगा। सिटी फॉरेस्ट पार्क से बदल जाएगी MDTA की छवि। जमीन दिलाने के नाम पर पूर्व सैनिक से 40 लाख की धोखाधड़ी की गई। वाहन चोरी के आरोप में इंजीनियरिंग के 2 छात्र सहित 3 गिरफ्तार हुए। युवती से 10 साल तक दुष्कर्म, गर्भवती होने पर शादी से इनकार। तो युवती से दुष्कर्म के मामले में रायपुर थाना में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपित युवती के साथ पिछले 10 साल से दुष्कर्म करता रहा। CM का खटीमा रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत। तो टनकपुर देहरादून ट्रेन के पहुंचने पर उमड़ी कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़। साथ में यात्रा करने वालों के लिए यादगार रहा सफर। 12 को लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करेंगे CM। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर रहेगी पुलिस की नज़र। ट्रैक्टर पलटने से पूर्व ग्राम प्रधान के पुत्र की मौत हो गई। काशीपुर की सोनाक्षी बनी हारमनी सीजन 2nd की विजेता। खेल विभाग की लापरवाही से 800 खिलाड़ी घर बैठे। मारपीट मामले में पूर्व प्रमुख के भाई समेत 12 पर केस। तो रामनगर से खबर रही है, मलिक के बगीचे के दस्तावेज जुटाने शुरू हुए। कार्रवाई, हल्द्वानी हिंसा में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। पर्यटन को 360 जिप्सियां पंजीकृत हुई।
अल्मोड़ा में फुटबॉल प्रतियोगिता आज होगी, 3 दिन ठप रहेगी पेयजल आपूर्ति, तो द्वारा हाट से खबर रही है। वैज्ञानिक नजरिए का विकास करेगा मानस खंड विज्ञान केंद्र, तो आज मुख्यमंत्री करेंगे मानस खंड विज्ञान केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ। 37 छात्रों ने छोड़ी गृह विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा, मानदेय नहीं तो चुनाव में भागीदारी नहीं, तो मानदेय की मांग को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शनिवार को भी धरने पर डटी रही। ओली की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग के रोमांच का आगाज, तो नेशनल ओपन स्कीइंग प्रतियोगिता में 10 टीमों के 120 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। तो ओली की बर्फीली ढलान में शनिवार से 2 दिवसीय नेशनल ओपन स्कीइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ओली व्यू पॉइंट में हुआ। चित्रा गार्डन फिर सेबों से होगा लकलद, गढ़वा लोकसभा चुनाव को प्रबंधन समिति गठित हुई। पैसेंजर ट्रेन में सहारनपुर का किराया आधा हुआ, तो देहरादून सहारनपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का किराया कम हो गया है, इससे रेल यात्रियों को सस्ते सफर की सुविधा मिलेगी। फिजियोथेरेपी में नवाचार पर जोर दिया, ओली में बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का रोमांच शुरू हुआ। अल्मोड़ा सीट पर कम हुई निर्दलियों की चुनाव की चाहत, तो 2014 से 7 प्रत्याशी पार्टी सिंबल के बिना मैदान में उतरे। 5 लाख की अफीम के साथ 2 भाई गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई है। नैनीताल सीट पर उधमसिंह नगर से हो सकता है कांग्रेस प्रत्याशी, तो तराई से 1 विधायक व पूर्व दर्जा मंत्री और नैनीताल से 1 पूर्व विधायक का नाम पैनल में है। तैयारी, चौबटिया में उगाया जाएगा विदेशी सेब, सीएम ने खटीमा तक की ट्रेन से यात्रा। पूजा शुल्क राशि बढ़ाने का प्रस्ताव, तो एसडीएम की अध्यक्षता में मंदिर समिति और पुजारियों में हुई बैठक। बेटे की चाहत में लिंग जांच को नेपाल की दौड़, तो सीमांत बेटियों को लेकर नहीं बदली लोगों की सोच, भारत में शक्ति के बाद नेपाल बना लिंग परीक्षण का केंद्र। खेलते हुए पानी के टैंक में गिरे 4 साल के मासूम की मौत हो गई, तो गोलापार क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बच्चा खेलते हुए घर के पीछे खेत में पानी बने पानी के भूमिगत टैंक में गिर गया, टैंक में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। कोसी में गिरा ट्रैक्टर चालक की जान गई, तो खेरना रानीखेत हाईवे पर शुक्रवार देर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कोसी नदी में जा गिरा, हादसे में चालक की मौत हो गई। कालाडूंगी में पर्यटकों की कार पलटी, 2 जख्मी हो गए। ट्रेन में यात्री का नकदी से भरा पर्स चोरी, तो हल्द्वानी से खबर आई है। बिजली की दर बढ़ाने पर व्यापारियों ने खोला मोर्चा, तो अल्मोड़ा के मुख्य बाजार में बाटा चौक पर किया धरना प्रदर्शन, बढ़ी हुई दरों के आदेश को वापस करने की मांग उठाई। सड़क के लिए प्रदर्शन कर मुकदमे से भड़के व्यापारी। वहीं खबर है सोमेश्वर से स्पार्किंग से घास के 8 लुटे हुए राख। बैक परीक्षाओं को 12 मार्च तक करें आवेदन, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातोत्तर की बैक तथा स्पेशल बैक परीक्षाओं की को परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की पोर्टल खोल दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र राणा ने बताया कि 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की आज अंतिम तिथि है। कटघरिया 22 तो टीपी नगर चौराहा 20 करोड़ से होगा चौड़ा। चुनाव में लगी या ड्यूटी दफ्तर खोलने को कर्मी नहीं, तो वन विभाग फायर सीजन और गोला में खनन के चलते विभाग के कई काम हो रहे प्रभावित। खुलासा, रेलवे स्टेशन पर पत्थर से कुचल कर की थी युवक की हत्या, तो रेलवे स्टेशन कैंपस में युवक की हत्या एक सिरफिरे ने पत्थर से कुचल कर की थी। भाजपा नेता के घर में घुसकर हमला, 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 4 साल से फरार 25,000 का इनामी दबोचा गया, कर्मचारी से लूट पर केस दर्ज किया। गड्ढे में गिरकर मासूम की मौत हो गई। कांग्रेस 5 प्रमुख गारंटियों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी।
पूर्व जिम्प अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं समय पर जांच लें। तो जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने आमजन से अपील की है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। वोटर लिस्ट बीएलओ के पास देखी जा सकती है, साथ ही ऑनलाइन भी भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपना नाम वोटर लिस्ट में जाँच सकते हैं। चुनाव से पहले पेंशन धारकों ने दिखाए तेवर, तो पेंशन नहीं बढ़ाने जाने से नाराज चल रहे हैं ईपीएस पेंशन धारक। पौड़ी में कांग्रेसियों ने प्रश्न कर लगाया जाम, तो अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने और एससी एसटी एक्ट में जेल में बंद आशुतोष नेगी की रिहाई की मांग को लेकर के महिला कांग्रेस व युवा कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और पौड़ी देवप्रयाग तक जाम भी लगाया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कार्यकर्ता चुनाव तैयारी में जुटे। अवैध शराब बिक्री पर मुखर महिलाओं ने निकाली रैली। श्रीनगर में मूल निवास रैली आज होगी। नदी में शिक्षक का शव मिला, तो बीते शुक्रवार सुबह से लापता शिक्षक बाल गोविंद थपलियाल का शव शनिवार को पुलिस व एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से भिलंगना नदी से बरामद किया, जिसका पंचनामा भरकर पीएससी या पिलखिया में पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हल्द्वानी शाखा की कमान धर्मेंद्र को मिली। 45 चावल के बारे में जागरूक किया। क्रिकेट के नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके देगी सीएयू। डीएबी एमकेपी में छात्र संघ समारोह की धूम रही, तो डीएबी में मेहंदी रंगोली स्पर्धा में विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर। एमकेपी में रंगारंग कार्यक्रम ने मोहा मन। दून में चटक धूप से पारा 27 के पार पहुंचा। रमजान 13.25 घंटे का होगा पहला रोजा, तो दून में माह ए रमजान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। विभिन्न मस्जिदों में साफ सफाई कराई जा रही है। हाफिज ए कुरान तरावी में कुरान सुनाने का अभ्यास कर रहे हैं। पहला रोजा 13.25 घंटे का होगा, शहरी सुबह 5:11 पर ख़त्म होगा। स्कूल में पानी के इंतजाम को 2 किलोमीटर जाते हैं मां साहब, तो मुनसार से खबर है। पिथौरागढ़ लोहा घाट में 24 करोड़ से टनल का सर्वे हुआ। रंगारंग कार्यक्रमों की शिव महोत्सव में धूम रही। शोर से सटे हुड़ेती गांव के जंगल में लगी आग। एमडीडीए की 215 करोड़ की योजनाओं से संवरेगा देहरादून। दून मसूरी एमडीडीए की योजनाओं पर नजर है। मोबाइल वैन गांव-गांव में महिलाओं को मदद करेगी। मसूरी 3 स्कूलों में छात्रों को ट्रैक सूट बांटे गए। भाजपाओं ने चुनाव प्रचार को कमर कसने का आह्वान किया। गलाती में प्रधान का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला पति गिरफ्तार हुआ। लोहाघाट में दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग बांटे गए। दून में ई टेंडिंग के नाम पर दवा कारोबारी से 52 लाख ठग लिए। शर्मनाक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म आरोपी पर केस दर्ज किया गया। वाहन चोरी में 4 गिरफ्तार, तो देहरादून से खबर आई है। निचले स्तर की फाइलें मेरे दफ्तर तक न पहुंचे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। विपक्ष पर मुख्यमंत्री का सियासी प्रहार। 50,000 लोगों की बिजली सप्लाई 4 घंटे ठप रही, तो हरिद्वार से खबर आई है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर कैमरे और ड्रोन से रखेंगे नजर। उत्तराखंड यूपी और हिमाचल पुलिस ने बनाई साझा रणनीति। दून के कुनाल की फिल्म को फेस्टिवल में एंट्री मिली। शिक्षा मंत्री ने 30 क्लस्टर स्कूलों का शिलान्यास किया। ओणेश्वर मेले में कोटा की कुटेती देनी हो जा भवानी पर नाचे लोग। रुद्रपुर के विधायक ने 2 साल के काम गिनाए। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ में 10 पर केस, तो मंगलोर से खबर आई है। टनकपुर से लखनऊ अयोध्या के लिए चलेगी ट्रेन। किशोरी को मुस्लिम देश भेजने की थी तैयारी। द केरल स्टोरी फिल्म की तरह एक मामला इस समय उत्तराखंड में भी चर्चा में है। एसएसबी 47वीं वाहिनी रक्सोल की मानव तस्करी रोधी इकाई की टीम को संदेह हुआ है कि इसराफिल अंसारी नेपाल मूल की किशोरी को केरल ले जाने के बहाने सीरिया और इराक जैसे मुस्लिम देशों में भेजने की साजिश में था।
मां संग आंख मिचोली खेल रहे हैं मासूम की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। कार दुर्घटना में समीक्षा अधिकारी घायल हो गया। जंगलों में आग लगने पर ड्रोन रखेगा नजर। जागेश्वर धाम में महंगे होंगे धार्मिक अनुष्ठान। विद्युत बिलों में सरचार्ज बढ़ाने का तीव्र विरोध, दिया धरना। हादसे में दो युवकों की जान गई, मचा कोहराम। दून की तस्वीर बदलेगी सिटी फॉरेस्ट सहित 11 परियोजनाएं। तो मुख्यमंत्री ने एमडीडीए की 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मसूरी में बनेगा इको पार्क। राजाजी पार्क में एक और बाघिन आएगी। शहर में 4 दिन से नहीं उठ रहा कूड़ा। अप्रैल में हर घर में नल से मिलेगा जल। उत्तराखंड लॉयर्स और केदार 11वीं जीती। ग्रीनाथॉन 17 मार्च को पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़ेंगे दूनवासी। दोपहिया वाहन चोरी के आरोप में इंजीनियरिंग के 2 छात्र गिरफ्तार हुए। शादी का झांसा देकर किशोरी से 8 साल तक दुष्कर्म केस दर्ज किया गया। डीएबी एमकेपी में मना छात्र संघ समारोह। वाहन दुर्घटना में घायल ने तोड़ा दम, दूसरा रेफर हुआ। भूगर्भीय रिपोर्ट ने देवाल में पार्किंग की जगह को बताया भूस्खलन क्षेत्र। हादसे में समीक्षा अधिकारी घायल हो गया। चित्रा गार्डन में सेब के पेड़ फूलों से लगलद हुए। तिमांशु धूलिया की नई फिल्म घमासान जल्द होगी रिलीज। 10 छात्रों को पार्टी 87,000 की छात्रवृत्ति। सड़क की मरम्मत के लिए धरना तो नरेंद्रनगर टेरी से खबर रही है। पीएससी में जल्द शुरू होगा विद्युत उत्पादन। वहीं खबर है लमगांव नैनबाग से मेले में रंगारंग कार्यक्रमों की धुन रही। श्रीनगर में आज मूल निवास भू कानून रैली में जुटेंगे लोग। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने श्रीनगर में 10 मार्च को होने जा रही मूल निवास स्वाभिमान महारैली की तैयारियां पूरी कर दी हैं। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के फूका सरकार का पुतला। 5 गारंटी संघ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दम ठोकेगी। 300 मीटर दौड़ में बीए के नीरज अव्वल रहे। सलेमपुर में सूखी नदी में डाला जा रहा कूड़ा, दुर्गंध से लोग परेशान हुए। तो हैदराबाद से खबर रही है। अब हरिद्वार से लक्सर तक का ट्रेन का किराया 10 रुपये होगा। पहले दिया नौकरी का मौका, तीसरे दिन लगा दी ब्रेक। तो एसएससी विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में कई पदों के लिए 5 मार्च को निकाली थी विज्ञप्ति। 2 किलोमीटर सड़क बन जाती तो भुता नहीं बनता कमे छिना। बिना होमवर्क तलाश ली हाईकोर्ट की जमीन। तो 5 पेजी दगियों को कैसे दूर करेगी सरकारी मशीनरी। होली से पहले ट्रेनों में लंबी हुई वेटिंग, यात्री परेशान हुए। कल से फिर करवट लेगा मौसम। तो पहाड़ों में 3 दिन और मैदानी इलाकों में 2 दिन बारिश की संभावना है। तो पहाड़ों में 3 दिन और मैदानों में 2 दिन फिर बारिश की संभावना है। सप्ताह भर पहले हुई बारिश के बाद लगातार दिन में तेज धूप हो रही थी, लेकिन अब फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग देहरादून के अनुसार 11 से 13 मार्च तक कहीं कहीं बारिश की संभावना है। छुट्टी के दिन भी दस्तावेज उतारते रहे निगमकर्मी। ट्रैक्टर कोसी में गिरा, बचने को लगाई छलांग, गई जान। वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, चालक फरार। लोहाघाट से खबर रही है। थरकोट झील बन रही नया टूरिज्म डेस्टिनेशन। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 13 से होगी। बनबसा में नशे के कारोबारी पर रोक के लिए कल गरजेंगी मात्र शक्ति। पिथौरागढ़ कैंपस में कानून विषय की पढ़ाई का इंतजार है। पहले दिया नौकरी का मौका, तीसरे दिन लगा दी ब्रेक। जागेश्वर धाम में दुगनी हो सकती है दक्षिणा, प्रस्ताव तैयार हुआ। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने सल्ट विधायक का पुतला फूंका। चीनी मिल में पेराई सत्र बंद होने से भड़के किसान। अफीम के साथ 2 भाई पकड़े, तो रुद्रपुर से खबर रही है। अलग अलग हादसों में फैक्ट्री कर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर रही है।